कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 डरा रहा है। खासकर केरल में JN.1 वेरिएंट के मामले मिले हैं और केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी है, साथ ही टेस्टिंग पर जोर देने को कहा गया है। वेरिएंट JN.1 आया, वायरस विस्फोट लाया। फिर कोरोना का प्रहार, अलर्ट रहना इस बार, लापरवाह ना होना, लौट आया कोरोना। अस्पतालों में सभी बंदोबस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट फिर से चालू हो गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात फिर ना बने, इसीलिए पूरे देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है। कोरोना वायरस एक बार फिर से पांव पसार रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड से 619 लोग संक्रमित हुए। देश में इस वक्त 2300 लोग कोविड से संक्रमित है। कुल कोविड के मामलों में अकेले केरल में 2041 केस सामने आए हैं। पिछले दो हफ्तों में 16 लोगों की मौत कोविड से हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। देश भर में अब तक JN.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं। JN.1 वेरिएंट के केस अभी केरल, गोवा, महाराष्ट्र में ही मिले हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। जो मुसीबत दिखती नहीं इंसान उसे हल्के में ले लेता है। वायरस दिखता नहीं लेकिन उसे हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है, इस बार जोखिम की जरा भी गुंजाइश ना रहे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्र की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड पर सभी राज्य अलर्ट रहे, टेस्टिंग बढ़ाएं, मरीजों की निगरानी की जाए, दवा वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखे, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी ना हो, 3 महीने में स्वास्थ्य सेवाओं की मॉक ड्रिल करें, हृदय, सांस और फेफड़े के मरीज विशेष ध्यान दें, RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मरीज के जीनोम सीक्वेंसिंग हो। सरकार का कहना है कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट की रफ्तार बढ़ने के साथ अचानक कोरोना के मामलों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। इस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है कि ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है, मगर है कोविड, इसलिए हमको सावधानी भी बरतनी है मगर पैनिक भी नहीं होना है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट को लेकर कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कर्नाटक ने केरल से सटे जिलों में चेक पोस्ट लगा दिए हैं। राजस्थान में मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने, मास्क पहनने की सलाह दी है। नया JN.1 वेरिएंट इंसानी इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ज्यादा असरदार है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अब आप ये समझिए कि JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। JN.1 कोविड का नया वेरिएंट नहीं है। पहला केस दिसंबर 2022 में लग्जमबर्ग में मिला था। अब तक दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। WHO ने नए वेरिएंट पर वार्निंग दी है, साथ ही WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN.1 स्ट्रेन के बारे में बताया कि जांच में सामने आया है कि दूसरे वेरिएंट की तुलना में ये अधिक आसानी से फैलता है। JN.1 स्ट्रेन के लक्षण के बारे में भी जान लीजिए। JN.1 वेरिएंट के लक्षण हैं बुखार, थकान, नाक बहना, गले में खराश, सरदर्द, खांसी, कंजेशन। 3 साल पहले कोरोना दबे पांव आया था और महामारी बन गया। दुनिया ने 2020 में कोरोना का कहर देखा। COVID-19 से बचाव का मूल मंत्र एक बार फिर याद कर लीजिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। टीम न्यूज़ नेशन।